नाउ इन दिस सम करंट अकाउंट भी दिए हैं, बैलेंस बैलेंस शीट में पार्टनर्स की और कैपिटल भी दिए हुए हैं. व्हेन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बोथ आर गिवन इट मींस डैश. इट मींस डैश. हु विल आंसर? Yes, partner capitals are fixed. Yes, good. The partner's capitals are fixed. It means जितनी entries हम सारी की सारी करेंगे will be passed through current accounts, not capital account. Except one entry जो capital के through pass होगी, कौन सी होगी यहाँ पे? Opening balance of all partners. Yes, of course. वहाँ पे एक entry. Opening balance is our opening balance. ये entry भी है. कौन सी entry through capital ही रहेगी, चाहे वो current account बन रहे हैं फिर भी? सर जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया है, यस जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, वो कैपिटल में ही रहेगी. फाइन. एक इसमें जो पॉइंट नंबर डी है, डी देखिए पॉइंट. ही सेज एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000. इन्वेस्टमेंट वाज वर्थ ₹24,000. एक्स ने टेक ओवर करी है 18 पे. इट मींस लॉस हो गया 6,000 का. विल बी पुट टू द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड अदर थिंग्स आर सेम. एक वो पॉइंट प्रोविजन वाला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का पॉइंट है एक. यहाँ भी आपको ग्रोस डेटर्स दिए हुए हैं, आपने ग्रोस पे निकाल के पुरानी प्रोविजन के साथ कंपेयर करना है. फाइन. पॉइंट नया कोई नहीं है. मेन पॉइंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट जब तक मैं पार्टनर कैपिटल करंट बना रही हूँ. यस, आपने रिवैल्यूएशन बना लिया है, उसका आपका आंसर आ गया 17,100. उसके बाद आपने कर लिया दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो आपकी आ गई 7:3. यहाँ पे गुडविल की वैल्यू नहीं दी हुई थी. गुडविल वाज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स. पॉइंट नंबर जी वाज़ देयर. फाइन. उस हिसाब से हमने एवरेज प्रॉफिट निकाले, तीनों को ऐड करके 3 प्लस करके 81 इंटू 2 ट्वाइस द एवरेज गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,62,000. देन इसमें से जेड का शेयर निकाला, जेड का शेयर जो था 2/9 था, तो 1,62 × 2 × 2/9 वो आ गया 36,000. 36,000 तो गुडविल थी वो जेड ने लेके आनी है. फाइन, ऐसे ही है. एंड जेड लेके भी आया. जेड इज टू पे एन इक्वल अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल, लिखा हुआ है. फाइन. अब उसने कहा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट आल्सो. व्हेन पार्टनर्स करंट करंट अकाउंट्स आर देयर, इट मींस द ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑल द एडजस्टमेंट्स आर टू बी पास्ड थ्रू करंट अकाउंट्स. द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड. जैसे हमने पहले बात करी, लेकिन फिर भी एक एंट्री है जो पार्टनर कैपिटल में जाएगी, दैट इज कैश या बैंक ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. ठीक, तो पहले पार्टनर कैपिटल बनेगा. पार्टनर कैपिटल में आप देखिए फर्स्ट एंट्री जो है आपकी ओपनिंग बैलेंसेस की होगी क्रेडिट साइड पे, और एक एंट्री है आपकी जो चेक ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर बाय बैंक करके. ये आपके पार्टनर कैपिटल के आंसर आ जाएंगे, बैलेंसिंग आ जाएंगे. नथिंग एल्स टू बी पोस्टेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नथिंग एल्स टू बी पोस्टेड. फाइन. All the adjustments are to be carried through current account only. Now current accounts. Current account. ये चेक करिए. Current account में first है opening balance. Sequence same रहेगा जो हम पहले करते थे. Opening balance of current account, not capital account. अगर current account पर balance opening हो, balance put नहीं है, तो आपको खाली छोड़ना पड़ेगा. Step लेना नहीं है फिर आपने. Capital account का balance हम current account में डाल सकते. Fine. Step by step चले. जिस step से हम partners capital prepare कर रहे थे. फर्स्ट स्टेप कौन सा होता था ओपनिंग बैलेंसेस का, सेकंड स्टेप कौन सा होता था ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल यहां पे हो गई. उसके बाद क्या होता था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर. इसकी कैश में लेके आया तो बाय प्रीमियम, उसका जो 36,000 हमने कैलकुलेट किया यहां पे, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7:3 रेशियो सैक्रिफाइसिंग, जो आपने कैलकुलेट करी. 36 को 7:2 में किया, 25,200, 10,800. फाइन, ठीक है. ये 36,000 रेशियो सैक्रिफाइसिंग 7:3 डन. दिव्यांशी नॉट श्योर सर रेशियो कितनी, 7:3 हाँ जी, 7:3 बेटा. ठीक है, और जो पहले ग्राफ 2.2:1 बताई थी वो नहीं लगाई है, अब 7:3 लगाई है. ये नेक्स्ट क्या होता है स्टेप. इस स्टेप में एक और है, गुडविल जो वो लेके आया है वो तो हो गई. उसमें उसने कहा है लास्ट पॉइंट में, हाफ ऑफ द गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई. उसकी एंट्री बनती होती है एक्स डेबिट वाई डेबिट टू बैंक, या कैश या बैंक. तो डेबिट साइड में आएगा टू बैंक,
डेबिट साइड में, इसका दोनों का हाफ 25,200 का हाफ 12,600, बी में 10,800 का हाफ 5,400, डन। गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप होता है आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे लॉस था, लॉस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। नेक्स्ट होता है कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो 3:2, 36,000। फाइन, एक गुडविल पड़ी हुई है ओल्ड, वो भी आपने राइट ऑफ करनी है। उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, तो ये आ गई आपकी टू गुडविल अकाउंट 18,000, 12,000 ओल्ड रेशियो, 30,000 गुडविल की ओल्ड रेशियो। और एक ये सारे वो पॉइंट्स है जो हर सम में होने हैं, कॉमन है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें क्या है, पॉइंट नंबर डी, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट 18,000, इसकी एंट्री बननी है जनरल एंट्री एक्स कैपिटल डेबिट 18,000, रिवैल्यूएशन डेबिट 6,000 टू इन्वेस्टमेंट 24,000। 24 की इन्वेस्टमेंट हमारी आउटफ्लो हो गई, एक्स लेके गया 18 में, एक्स में 18 आ गया, जो 6 था वो लॉस हो गया हमारा, तो वो आ गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डेबिट साइड, डन। एंड आफ्टर दैट सिंपल बैलेंसेस आ गए, फिर बैलेंस निकाल देने हैं आप। फाइन, अब जब बैलेंस शीट बननी है इसकी, अब जब बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में कैपिटल के बैलेंसेस ये आएंगे जो दिए हुए हैं, करंट के बैलेंसेस इन दोनों के ये आएंगे 17940 एंड 6960। जेड का कोई करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, ये नहीं आएगा। एक जो पॉइंट है इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, नहीं आएगी बिकॉज सारे की सारी इन्वेस्टमेंट एक्स ले गया है, ठीक है। एक पॉइंट नंबर बी में है आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल, ये आपका लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। एक पॉइंट नंबर सी में है एक्रूड इनकम, ये आपकी एसेट्स में आएगी, फाइन। और जब आप बैंक बैलेंस निकालोगे, बैंक बैलेंस में ये वाला 60,000 ये प्लस करोगे, ये वाला 36,000 ये भी ऐड करोगे, और एक ये वाला 18,000 ये माइनस भी करोगे, बिकॉज हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। इन दिस वे आपकी बैलेंस शीट मिल जाएगी।